The first question asks this: which of the following is monitored to the monitor RNA transcript both temporally and spatially? टेम्पोरली एंड स्पेशली का मतलब क्या है? ये टेम्पोरली एंड स्पेशली का मतलब क्या है इन विवो? अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, टेम्पोरली एंड स्पेशली का मतलब है दैट इज टेम्पोरली, टेम्पोरली और स्पेशली इसका मतलब क्या है इन विवो की बात कर रहा है वो, समझ में आ रही बात, इन विवो की बात कर रहा है, दैट इज वॉट इन विवो की बात करें, जब इन विवो की बात करें इसका मतलब इन विवो के लिए नॉर्डन ब्लॉटिंग करेंगे क्या, उसके लिए इन सिटु हाइब्रिडाइजेशन करेंगे FISH, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन खतरनाक तरीके का आया हुआ क्वेश्चन, गेट क्वेश्चंस है, गेट 2018 का बायोटेक्नोलॉजी। द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्लाज्मिड शोन बिलो विद द इको R1 एंड HE3, द प्यूरिफाइड फ्रेगमेंट यूज्ड टू टेम्पलेट इन द रिएक्शन कंटेनिंग द क्लीन आउट फ्रेगमेंट, फलाना ढिंकाना पूरा का पूरा भाषण दिया हुआ है। द प्रोडक्ट क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ बैंड्स विल अपियर ऑन द एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म में कौन अपियर होगा, क्या करना है आपको, डाइजेस्ट करना है HE3 से। चलिए चलता हूं मैं लेकर चलू, देखने की कोशिश करना, आंसर जो आएगा वो आएगा टू। यहां पे देखिए कि एक्सरे फिल्म बोला है, एक्सरे फिल्म बोलने का सीधा सा मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ऑटो रेडियोग्राम, क्या बोलना चाह रहा है, ऑटो रेडियोग्राम। और ऑटो रेडियोग्राम में आपको मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ आपको स्टिकी इंडेड मिलते हैं, स्टिकी इंडेड साइट कितना है सी, स्टिकी इंडेड साइट कितना है, कितना स्टिकी इंडेड साइट, एक है सिर्फ, इको R1 का साइट कितना है, एक है। और लेबल्ड फ्रेगमेंट जो मिलेगा आपको यहां पे देखिए, कट करेंगे तो आपको एक इंड इधर, जब इसको कट करेंगे देखिएगा, अगर मैं आपसे बात बोलता हूं कि लेबल जो मिलना चाहिए, एक फ्रेगमेंट ये मिलेगा इको R1 से, एक ये फ्रेगमेंट मिलेगा और एक ये मिलेगा, ये वाला नॉन लेबल्ड होगा, लेकिन ये लेबल्ड होगा और ये भी लेबल्ड होगा, क्योंकि इसके पास भी स्टिकी इंड है, इसके पास भी स्टिकी इंड है। सो यू विल गेट द टू फ्रेगमेंट, याद रखे रहिएगा टू फ्रेगमेंट, टू फ्रेगमेंट, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, द क्वेश्चन नंबर दिस 43, ये क्वेश्चन है गेट 2015 लाइफ साइंस। A1 2.5 KB फ्रेगमेंट, 43 की बात करता हूं, A 2.5 KB फ्रेगमेंट DNA, ठीक है, वॉज यूज एज अ टेम्पलेट फॉर द PCR एम्पलीफिकेशन, यूज प्राइमर P1 P2 P3 P4 एज सोन इन द स्कीम बिलो, द एनलिंग पोजिशन ऑफ द प्राइमर ऑन द टेम्पलेट आर इंडिकेटेड बाई द नंबर्स, नंबर प्राइमर्स, ये बताना है आपको कौन सा होगा। PCR वॉज परफॉर्म, देखिएगा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, PCR परफॉर्म किया जा रहा है P1 P3, ठीक है, एक किया जा रहा है P1 एंड P3 एक वायल में, दूसरे वाल में परफॉर्म किया जा रहा, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसको ड्रॉ करते रहे P2 एंड P4 में, ठीक है, अनदर वाल। अब देखिएगा कि द प्रोडक्ट ये जो है, ठीक है, इसमें से 1. टेम्पलेट PCR एम्पलीफिकेशन सोन इन द सेल, द एनलिंग पोजीशन ऑफ द प्राइमर आर इंडिकेटेड प्राइमर्स P2 सिंगल बेस मिसमैच, ये क्या है, P2 एंड P3 पे ये मिसमैच दिया हुआ है, ये और ये मिसमैच दिया हुआ है। नाउ द प्यूरिफाइड प्रोडक्ट फ्रॉम टू वाल्स वर मिक्स्ड एंड सब्जेक्टेड टू अनदर राउंड ऑफ PCR विद द प्राइमर P1 एंड P4, इसके लिए किया जा रहा है, सो द फाइनल PCR विल कोरेस्पॉन्ड, फाइनल PCR जो होगा कितने का होगा। आप देखिएगा इस क्वेश्चन में करना क्या, बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, टू टाइम्स PCR जा रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं इस डायग्राम को देखता हूं, मैं ये डायग्राम बना दिया, देखिएगा कि P1 इस तरीके से था, P1 इस तरीके से था और P3 इस तरीके से था, ठीक है, P1 P3 P4 P1 P3 के पास म्यूटेशन था जो मैंने बता दिया, बस कुछ करना नहीं है जी, कुछ करना नहीं, बस देखो जब फर्स्ट राउंड म्यूटेशन जाएगा, एक क्या था P1 एंड P3 का था,
जब P1 एंड P3 का था तो इसमें एक म्यूटेशन आएगा कि नहीं आएगा? इसको जब सिंथेसाइज करोगे आप P1 एंड P3 का, तो ये इस तरीके से आएगा एक म्यूटेशन के साथ। यहाँ पे क्या आएगा, एक म्यूटेशन के साथ आएगा इतना फ्रेगमेंट, यहां से P3 वाला म्यूटेशन आया, वन म्यूटेशन आया। समझ में आ रहा, ये है 2 1200 और ये है, दैट इज व्हाट द वन, ठीक है। नाउ अगर P2 एंड P4 कर रहे हो फर्स्ट राउंड, इससे एक म्यूटेशन आएगा कि नहीं आएगा? इससे कुछ इस तरीके से एक म्यूटेशन आएगा, जिसमें कि क्या होगा, एक म्यूटेशन यहां पे होगा, सेकंड म्यूटेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये P1 को अगेन आपने क्या किया, P1 और P4 को, जब P1 P4 को करोगे तो टोटल जो आएगा एक साथ फिर आएगा, टोटल में दो म्यूटेशन आएंगे, एक आपका आएगा यहां पे म्यूटेशन आएगा और एक यहां पे म्यूटेशन आएगा, एक यहां पे म्यूटेशन आएगा, और टोटल जो साइज आएगा, क्योंकि P1 इस इंड पे बाइंड कर रहा था, P4 इस इंड पे बाइंड कर रहा था, तो साइज 1200 KB होगा, 1200 बेस पेयर, यानी 1.2 KB या 1.2 KB विद द टू म्यूटेशन। क्लियर है, समझ में आ गया? अगर मैं कहता कि अगर इसमें यहां पे जो आपने P1 एंड P4 की बजाय, अगर P1 एंड P4 की जगह P2 एंड P4 रखते, अगर एक केस में लेके चलता हूं उसी में कि अगर P2 एंड P4 से फिर करते, तो क्या आने वाला था, P2 एंड P4 से तो कितने म्यूटेशन आते आपके पास, इस स्टैंड को लेके करते तो वन म्यूटेशन आता, सिर्फ और सिर्फ वन म्यूटेशन आता अगेन, ठीक है। चलो सही है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर दिस, सो ह्यूमन जीन ओनली द 3 एक्सॉन्स टोटल आरएनए आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स एंड रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड, द रिजल्टेंट cDNA वाज यूज्ड एज अ टेम्पलेट इन द PCR कंटेनिंग दिस वन एक्सॉन 1 एंड रिवर्स ट्रांसक्राइब प्राइमर स्पेसिफिक फॉर द एक्सॉन 3rd, ठीक है, एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 3rd। व्हेन द PCR प्रोडक्ट वाज एनालाइज्ड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2 bands were observed, 2.5 and 1 kb. However, when the northern blotting was performed, the same total RNA using radio active level probe with the exon 2, only 1 band was observed. सिर्फ और सिर्फ एक band जो होता है वो आपको observed मिलता है, वही सिर्फ आपको मिलता है, तो क्या होगा जी, ठीक है। जब आप read करेंगे तो gene has only 3 exons, ठीक है, जीन हैज ओनली द 3 एक्सॉन्स, उसके पास एक्सॉन से 1, 2, 3 गिवन ऑर्डर है, टोटल आइसोलेटेड किडनी सेल्स में ट्रांसक्राइब किया गया, cDNA आइसोलेट किया गया, PCR किया गया, फॉरवर्ड प्राइमर एक्सॉन 1 एंड रिवर्स प्राइमर एक्सॉन 3rd से किया गया है, तो PCR प्रोडक्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे किया गया, तो 2.5 KB और 1 KB का बैंड मिला है। हाउएवर व्हेन द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग वॉज परफॉर्म विद सेम टोटल RNA यूजिंग रेडियो लेबल्ड एक्सॉन 2, ओनली 1 बैंड विल बी ऑब्जर्व्ड। बेस्ड ऑन द दीज ऑब्जर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, इसमें से कौन है जो कि गलत है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्सॉन 1 और 3 के बीच में जब कर रहे थे तो 2 बैंड मिल रहा था, 2.5 और 1 के बी का, जब एक्सॉन 2 से कर रहे थे सिर्फ एक बैंड ऑब्जर्व हो रहा था, यानी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग विथ अ प्रोब स्पेसिफिक एक्सॉन 3rd विल शो 2 बैंड। ये अभी तो 3rd के साथ कह रहे थे तो 2 बैंड मिल रहा था, ये सही है कि गलत है, ये स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, सही है कि अभी एक्सॉन 3rd और 1 के साथ जब हम किए थे तो 2 बैंड मिला था, दिस इज 2 बैंड वेर ऑब्जर्व, ठीक है। नाउ द जीन कोड फॉर द 2 mRNA स्पाइस वेरियंट, एग्जैक्टली 2 mRNA स्पाइस वेरियंट इन कोड के फॉर्म में चल रहा है, 2 स्पाइस वेरियंट से 2 बैंड मिल रहे हैं, एक्सॉन और 1, 3 से अलग मिल रहा है और एक्सॉन 2 से अलग मिल रहा है, समझ में आ रहा है, दैट इज व्हाट 2 अनदर स्पाइस वेरियंट के फॉर्म में चल रहे हैं। नाउ इफ द फॉरवर्ड प्राइमर स्पेसिफिक एक्सॉन 2, अगर यहां पे एक्सॉन स्पेसिफिक 2 होता तो क्या वो 2 बैंड ऑब्जर्व होता, अभी ये बता रहा है कि ओनली 1 ऑब्जर्व हो रहा है तो क्या 2 ऑब्जर्व होगा, गलत बोल रहा है, इट्स इनकरेक्ट, ये गलत बता रहा है, और एक्सॉन 2 का जो आएगा 1.5 केबी का साइज आएगा, इट्स लाइक डेटा बेस्ड स्टेटमेंट है, इट कुड बी करेक्ट, ठीक है, क्लियर है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दिस सी एंड डी विल बी द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, वो बोल रहा है कि एक्सॉन 2 से जो आएगा वो आपका आएगा दैट इज द 2 बैंड, जबकि ये बोल रहा है कि नहीं 1.5 केबी का आएगा, सो दैट इज व्हाट, इफ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दैट इज द
the exon 2, exon 3 से 2 बैंड आएगा, exon 3 से 2 बैंड आएगा और exon 2 से 1 बैंड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, सी इज द फॉल्स, तब इसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे तो सी स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है जी। नाउ आगे मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग द सैंगर डिडॉक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड अ पर्टिकुलर एक्सोनिक रीजन, ठीक है। दो सब्जेक्ट है एटीजीसी, एटीजीसी इस तरीके से उन्होंने रन किया है, दो प्रोटीन कोडिंग सिक्वेंसेस फॉर द टू इंडिविजुअल्स रिफर्ड, ठीक है, टू इंडिविजुअल्स को रिफर किया जा रहा है, ठीक है। नाउ क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट फॉर द सीक्वेंस डीएनए फ्रेगमेंट्स। सीक्वेंस कैसे पता करना है, ये तो सीधी बात है कि नीचे से हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, दैट इज वॉट इसमें पता करेंगे। तो इसका जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन की तरफ जा रहे हैं, सब्जेक्ट वन में अगर आप देखोगे ये क्या है, ये 5' to 3', इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकलेगा तो ये पहले आ जाएगा। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ए, फिर ए के बाद आएगा जी, जी के बाद फिर से जी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर जी टी आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर टी आ रहा है। इसके लिंक जब देखेंगे तो ए टी सी ए जी सी सी टी, ये आंसर मिल रहा है आपको, टी ए जी। नाउ सीक्वेंस टी ए जी इस तरीके से इन्होंने किया है, दैट इज टी ए जी 3' to 5'। ओके, करेक्ट सीक्वेंस, सैंगर डाइडियोक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड है, सैंगर की बात की जा रही है 5' to 3', ठीक है। ओके, सो अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से आप मूव करेंगे ए टी जी जी टी ए जी सी, ठीक है। इन्होंने सीक्वेंस के बारे में बात किया तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ये सीक्वेंस इस तरीके से दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, ठीक है। अच्छा करेक्ट पूछा है, यस इनकरेक्ट है, फाइन 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 फाइन, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। आप इस तरीके से करके इनकरेक्ट, ओके मैं इनकरेक्ट के पीछे दौड़ रहा था। सो नाउ देखने की कोशिश करिएगा, करेक्ट पूछा है तो ये इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा, सीक्वेंस आप निकाल सकते हैं, बी एंड सी इनकरेक्ट है एंड सब्जेक्ट वन। अब देखिएगा कि इस केस में यहाँ पे एक ही जगह पे दो बेसिस आ रहे हैं ए एंड टी, सीधा सा इसका मतलब बन रहा है कि दो एलिलिक वेरियंट है, सब्जेक्ट टू हैज टू एलिलिक वेरियंट, सो ये आंसर जो है स्टेटमेंट सही होगा, इज इट क्लियर। आंसर टू जो होना चाहिए, दैट इज व्हाट, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आंसर जो होगा ए सही होगा, सब्जेक्ट टू के पास, दैट इज सब्जेक्ट टू के पास, सब्जेक्ट टू के पास क्या था, सब्जेक्ट टू के पास ए एंड टी टुगेदर थे जो कि टू एलिलिक वेरियंट का काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसके ऑप्शंस में अभी आपको दिखाऊंगा, ETBR और ऑटो रेडियोग्राम दिया हुआ है, इन्होंने उल्टा पूछा है, रिजल्ट दे दिया है, रिजल्ट दे दिया है और पूछा है कि क्या होना चाहिए। जस्ट सी यहां पे ऑटो रेडियोग्राम में कितने बैंड मिल रहे हैं, ऑटो रेडियोग्राम में कितने बैंड मिल रहे हैं वो देखने की कोशिश करिएगा, 3 बैंड मिल रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। नाउ लेट सी व्हाट वुड शुड बी द आंसर, कुछ देखिए इस क्वेश्चन में देने को क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, 7 KB डीएनए मॉलिक्यूल है, स्पेसिफिक 7 KB का है, इको आर वन एंड वन टू इको आर वन उन्होंने मेंशन कर दिया, 2 eco R1 1 PUV सेकेंड रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस साइट है, इसके बाद हम डाइजेस्ट करते हैं, ये सारा काम करने के बाद ये बैंड ऑप्टेन होता है। ETBR पे 4 बैंड ऑप्टेन होते हैं, 3 KB 2 KB 1.5 KB 0.5 KB, और अगर हम ऑटो रेडियोग्राम पे देखते हैं तो 3, 2 और 0.5 ये मिलता है ऑटो रेडियोग्राम पे। नाउ अब स्टिकी एंडेड ब्लंट एंडेड, नाउ अब इस आपको इतना तो पता चल रहा होगा, ठीक है, कि बिकॉज ब्लंट एंडेड लेबल्ड नहीं होगा ऑटो रेडियोग्राम में, सो सी यहाँ पे जो साइज दिया है 3 to 1.5, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करेंगे सो दैट इज व्हाट द साइज अनलेबल्ड में जो दिया है वो दिया है 3
टू 1.5 और लेबल्ड में जो दिया है वो 3 2 दैट इज 0.5 ये दिया हुआ है. सो इसमें देख के बताओ कि इसमें 2 के भी लेबल्ड मिल रहा है, उसके बाद 2 के भी लेबल्ड मिलने के बाद इको आर वन पी वन के साइड में ये जो है 7 के भी का 4.85 के भी कहीं से आपको 3 के भी का फ्रेगमेंट मिल रहा है लेबल्ड. इन दिस ऑप्शन यू हैव आपको 3 के बी का कई फ्रेगमेंट दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है, 3 के बी दिख रहा है, 3 के बी. हाँ जी दिख रहा है, यहां पे 3 के बी कहीं पे दिख रहा है जो 3 के बी का फ्रेगमेंट मिल रहा था. नहीं दिख रहा है, कहां से आप बताओगे? ये अगर एक लेबल आएगा इससे कोई डाइजेशन है ही नहीं, ये पूरा का पूरा 4.5 का बैकबोन है, पूरा का पूरा 4.5 का बैकबोन है. समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा 4.5 का बैकबोन है. नाउ जरा सा इसको देखना, इस केस में भी बता पाओगे आप? इसमें तो वैसे भी नहीं बता पाओगे कि ये 2 के बी का भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि अब इको आर वन यहां आ गया. ठीक है, ये एक साइट मिलेगी 2 के बी के हिसाब से, बाकी 3 के बी और 1.5 के बी नहीं मिलता नजर आएगा. मिलता नजर आएगा? ग्रेट, ठीक है. चलो अब देखने की कोशिश करता हूं मैं, अब देखने की कोशिश करता हूं क्या होगा, क्या होगा आंसर. सो नाउ अब मैं बात करता हूं लीनियर के लिए मूव करेंगे. ठीक है, अब लीनियर के लिए मूव करते हैं. लीनियर डीएनए में 4 फ्रेगमेंट आ रहे हैं तो 3 ऑब्वियसली बात है 4 बैंड है तो लीनियर होगा डीएनए. अब 3 रिस्ट्रिक्शन साइट है. ठीक है, अब यहीं पे आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है. देखिए टोटल आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि दैट इज व्हाट द लीनियर. अगर हम ईटीबीआर या जेल में, ईटीबीआर में कितने बैंड आ रहे थे आप पे? ईटीबीआर में 4 बैंड आ रहे थे, एक 3, एक 2, एक 1.5, एक 0.5. 4 बैंड फ्रेगमेंट जो होंगे वो 4 हो रखे हैं, और साइट कितना था? साइट था 3. तो यहां पे 3+1 का रूल फॉलो हो रहा है, n+1 यानी कि होना चाहिए लीनियर. अब लीनियर में हम चेक करेंगे, बाकी हमें सर्कुलर चेक करने की जरूरत थी ही नहीं, तो सीधे हम लीनियर चेक करेंगे. लीनियर में अगर हम पहले इसी को उठाते हैं, देखिएगा एक इको आर वन यहां से कट होगा, 3 के बी का लेबल्ड मिलेगा, 2 के बी का लेबल्ड मिलेगा, और यहां से कट करेगा तो 0.5 के बी का मिलेगा, 1.5 के बी का नहीं मिलेगा. ये फुलफिल कर दे रहा है. जरा फोर्थ को चेक करना, यहां से कट करेगा 3 के बी का मिलेगा, 2 के बी का भी मिलेगा, और यहां से कट करेगा तो 1.5 भी मिलेगा और 0.5 भी मिलेगा, क्योंकि दोनों एंड स्टिकी होंगे. अभी कुछ देर पहले बताया था, तो इसमें चारों लेबल्ड मिलते. ठीक है, अगर ये वाला फॉर्म होता तो चारों लेबल्ड मिलने वाले थे, तो ये आंसर सही होता. अगर चारों लेबल्ड, ये भी फ्रेगमेंट अगर लेबल्ड में आ जाता तो. चलिए ठीक है, क्लियर है जी? होप कि आप सबको क्लियर होगा यहां तक. नाउ अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो और भी अच्छी बात.